हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जैक। ये मेरा बिल्कुल नया चैनल है और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और एक्चुअली मैं खुद भी नया हूँ इस मार्केट में, फील्ड में, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे माफ़ कर देना। और एक्चुअली मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई नई बताऊँगा जो मार्केट में ट्रेंड है। इसलिए ये जो चैनल है आपको फोटोशॉप की ट्रेनिंग देगा, नई नई चीज़ें आपको बताएगा, नए नए पोस्टर्स अपन डिज़ाइन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल में अपन करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज का जो चैनल है, आज का जो वीडियो है सॉरी, वो एक्चुअली बैकग्राउंड को रिमूव करने के बारे में है कि आप कैसे एक इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर पर। ये एक्चुअली आपके साथ सामने देख रहे हैं एक गर्ल की इमेज है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कैसे ईजी अपन रिमूव कर सकें, तो मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है। तो मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इसके अंदर क्या है कि बैकग्राउंड इरेजर टूल के नाम से है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डुप्लीकेट कर देते हैं इस लेयर को। ओके, ये मैंने इस लेयर को डुप्लीकेट कर दिया। अपन क्या करते हैं, एक अपन लेयर बनाते हैं। ओके, लेयर बनाने के बाद अपन उसमें एक सॉलिड कलर डाल देते हैं, ब्लैक ब्लैक ले लेते हैं। ओके, बस आप फॉलो कर दीजिए मेरी स्टेप को और आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। ओके, इसलिए मैं इसको जूम इन करता हूँ। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा हार्डनेस इसकी बढ़ाएं, नहीं सॉफ्टनेस ही रहने देते हैं तो इजी रहेगा करने में। ये देखिए आप कैसे इजीली हो रहा है रिमूव। बिल्कुल बहुत इजी है करना दोस्तों, ये मेरे को ट्रिक है। बाकी आप लोग पेन टूल से भी कर सकते हैं, आपको इसके अंदर बाल हो गए, हेयर हो गए, आप इजीली उसको काट सकते हैं, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे यूज़ करते हैं ये वाला टूल। काफ़ी कम लोग हैं जो ये वाला टूल यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर, तो इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि हेयर काटने में से ज़्यादा मुश्किल होती है, हेयर कैसे काटें। तो आप ये वाला टूल आप यूज़ करके हेयर भी आराम से कट कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, कोई नॉइज़ आ रही है तो माफ़ करना दोस्तों, ये पूरा कट कर रहा हूँ मैं, देख रहे हैं आप। ये मैंने इस इमेज को कट कर लिया प्रॉपर तरीके से मेरे हिसाब से। अभी बैक आप सोच रहे हैं ब्लैक कैसे दिख रहा है, एक्चुअली पीछे वाली जो लेयर है वो पूरी ब्लैक कर रखी है मैंने, इसलिए ब्लैक दिख रहा है। मैं इसको पूरा फिनिशिंग टच देने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में बनाते रहूँगा। और ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट वीडियो है तो सॉरी फॉर देट, कोई भी मुश्किल हो तो आपको समझने में, आगे से प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं अपने पास आ चुकी है सामने, अब मैं इसमें से इमेज को अपन निकाल लेते हैं। ओके, आप देख रहे हैं इजीली निकल गई इमेज, ऐसे ही काट देते हैं। ये फिर अपन इस इमेज को थोड़ा फिनिशिंग टच दे देंगे लास्ट में जब अपन चेंज करेंगे। ओके, तो मैं इसको पूरा कट कर लेता हूँ इमेज को जो भी एरिया अपन ने किया है। ओके दोस्तों, अभी इमेज आ चुकी है मेरे सामने। अब इसका अपना फिनिशिंग टच अपन पेन टूल से देते हैं जो काफ़ी ट्रेंड है मार्केट के अंदर इस पेन टूल का। बड़े से बड़े डिज़ाइनर्स भी पेन टूल ही यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फिनिशिंग देता है, सबसे बढ़िया टूल है। इरेजर टूल आपको हेयर कट के लिए हो गया, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड को आप इजीली करना चाहो, हेयर काटने में उससे ज़्यादा दिक्कत आती है तो हेयर को आप इजीली कट कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए मैंने ये पूरा इसको कट कर लिया। अब ये ही सेम स्टफ मैं इधर भी कर देता हूँ।
स्ट्रैंड टूल से ही कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग दिखेगा। ये मैं पेंट टूल से इसको कट कर रहा हूँ। तो चलिए, पेंट टूल जो है मार्केट में काफ़ी टाइम से है। जब स्टार्टिंग में फोटोशॉप आया था तो तब से पेंट टूल है। पेंट टूल आपको मतलब कि एक बहुत मोस्ट पावरफुल टूल है फोटोशॉप का, जो बहुत सारी चीज़ों को इजीली कट कर देता है। ये देखिए दोस्तों, तैयार हो चुका है अपने सामने फाइनली। ये अपन ने इसको कर दिया। अब अपन दोनों बैकग्राउंड दिखा देते हैं। ये अपन ने कटिंग करा और ये विदाउट कटिंग है। अगर आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी आप टॉपिक चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताएं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारा वीडियो देखते रहें और मेरे नए भाई यानी मैं जैक को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।